भाई थंबनेल और टाइटल देख के आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। भाई क्रिकेट 19 के लिए बहुत बड़ा झटका आने वाला है, क्योंकि क्रिकेट 19 क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन गेम है, जिसके ग्राफिक्स गेम प्ले इतने रियलिस्टिक लगते हैं ना, जो भी क्रिकेट का फैन है भाई इस गेम का जरूर से दीवाना हो जाएगा। लेकिन इस गेम के खेलने वालों के लिए सबसे बड़ा झटका आ चुका है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि क्रिकेट 19 के पास भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के तो राइट्स हैं, लेकिन बीसीसीआई जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है उसके राइट्स नहीं है। लेकिन फिर भी अपन रियल इंडियन क्रिकेट टीम इसके अंदर कम्युनिटी में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर अपने को रियल इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी मिल जाती है, अपन रियल नेम के साथ खेल सकते हैं और फेस भी मिलता जुलता मिल जाता है, और जर्सी के ऊपर भी जो रियल के स्पॉन्सर्स हैं, जो अभी इंडियन टीम की जो जर्सी है ओरिजिनल उसके ऊपर जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो सारे के सारे अपने को इसके अंदर मिल जाते हैं, और सारी की सारी जर्सीज अपडेट होके आ जाती है, चाहे वो आईपीएल की बात कर लो चाहे वो किसी भी चीज की बात कर लो। लेकिन 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 अपने पास बीसीसीआई की राइट्स नहीं है, तो भाई बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा लिया आपकी अपने लिए कि एक कॉपीराइट की टीम बिठाई है, मतलब बीसीसीआई खुद नहीं कर रही है, उन्होंने कुछ बंदे अपॉइंट किए हैं और वो सारे के सारे बंदे जो भी मतलब यूट्यूब पे क्रिकेट 19 को स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर इसके वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें टीम इंडिया फीचर हो रही है या फिर आईपीएल की टीम फीचर हो रही है, जो मतलब ओरिजिनल जर्सी है या फिर ओरिजिनल कंटेंट है इन टीम्स का, उससे मिलता जुलता कोई भी चीज़ है, तो उन सब को कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे। तो अब आपको पता ही होगा कि भाई किसी ने सुना है नहीं सुना वो तो मुझे पता नहीं, कि भाई क्रिकेट 19 के अपने यूट्यूब पे स्ट्रीमर्स हैं स्पेक्टर्स इन वीडियो गेम्स, इनको भी भाई मतलब द स्पेक्टर्स का मुझे पता नहीं, लेकिन इन वीडियो गेम्स का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने उसमें उन्होंने बताया था कि उनको एक नोटिस मिला है और नोटिस में ये बोला गया है कि भाई वो क्रिकेट 19 के वीडियोस आगे से नहीं डाल सकते और जितने भी पहले डाले हैं उन सबको रिमूव कर दे, वरना 48 आवर्स के अंदर उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जाएगी। और ये सारे के सारे नोटिस हैं, ये मतलब काफ़ी लोगों को वो बीसीसीआई वाले भेज रहे हैं, जो भी बंदे उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं तो वो भेज रहे हैं, उनका सीधा सा मतलब ये है कि भाई उनकी प्रॉपर्टी आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक क्रिकेट 19 वाले बिग एंड स्टूडियोज वाले जब तक उनके राइट्स नहीं ले लेते। और मुझे नहीं लगता यार बीसीसीआई अपने राइट्स किसी को देगी, क्योंकि अभी तक भी उन्होंने नहीं दिए हैं तो आगे देने का तो सवाल उठता ही नहीं। हाँ कोई बड़ी अप्रोच लगा लें क्रिकेट 19 वाले तो राइट्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर आप क्रिकेट 19 खेलोगे और क्रिकेट 19 के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करोगे और उसमें टीम इंडिया फीचर हो रही है या आईपीएल की कोई भी टीम फीचर हो रही है और उनकी जर्सी रियल सी लग रही है, तो भाई आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से, और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बीसीसीआई ये खबर हर जगह फैला चुकी है कि उनका कंटेंट कोई नहीं यूज कर सकता। हाँ लेकिन आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच खेल गए और बाहर की जितनी भी लीग्स होती है जिनका इंडिया से या फिर बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है, उनकी वीडियोज आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, उसमें आपको कोई लफड़ा नहीं होगा ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का झंझट होगा। लेकिन जो भी चीज बीसीसीआई से थोड़ी भी रिलेटेड होती है उनमें भाई वो अब यही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अलग से टीम बिठा दी है और वो अलग वाली टीम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। चलो भाई ये था और जो भी था बड़ा ही गलत था, क्योंकि गेमिंग के अंदर कब से कॉपीराइट आने लग गया वो भाई बीसीसीआई वाले कुछ नया ही लाए हैं और इसका अपन अब कुछ नहीं कह सकते। इतनी बड़ा बोर्ड है, मतलब दुनिया का सबसे महंगा बोर्ड है बीसीसीआई बोर्ड, अब जो वो बोलेंगे सबको करना ही पड़ेगा, अपने पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो भाई आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी जवाब है तो सीधा आप हमें अपने इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो यार लाइक करके हमें जरूर बताइए, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए मेरे भाई।